हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑलीवुड। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली। कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है यार, प्लीज टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। द हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट एवरी वन इज सफरिंग फ्रॉम द इशू ऑफ कोविड। तो आपको तो दो एग्जामिनेशन लिखने हैं, काफी लोग हैं आप में से, दोज हु हैव क्लियर्ड द आईबीपीएस पीओ प्री ऑल्सो and IBPS clerk pre also, so they are going to write the two examination. So please take care about yourself. बहुत ज़्यादा precaution रखें, mask and N95 ज़रूर से use कर लें, ठीक है, precautionary purpose के लिए। चलिए आगे move करते हैं session के बारे में। Already I think you guys are aware about that we are going to discuss first to 15th. Actually मैंने 17th तक का cover किया हुआ है, not 15th. So first to 17th of January banking and financial MCQs. Not only banking and financial MCQs, the other question which I find important that is also I kept here, उसको भी मैंने इसमें include कर दिया है। Second important thing is important deadlines का I am going to do a separate video today. All the important deadlines we are going to do a separate session for 10 minutes today evening. By evening I will try to give you the link. ठीक है, चलिए। मैं ठीक ठीक हूँ, मैं भी perfectly fine तो नहीं हूँ, but I can't get time at present कि मैं सिर्फ rest करता रहूँ, because my precious precious students are having examination tomorrow. तो मैं कैसे आज रेस्ट कर सकता हूँ। चलिए तो सेशन पे आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूंगा विद इन अ मिनट। कूपन कोड आदित्य फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द ऑलिवुड मॉक्स। आई एम गोइंग टू कम अप विद द जीए फाउंडेशन बैच फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। मंडे से मेरा जीए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस फ्रॉम द जीरो। So this batch will be starting from Monday, 45% flat off, which is maximum on this batch. You can opt by using the coupon code Aditya. बस इतना ही मैं promotion करता हूं। इसके बाद काम की बात, session की बात। Guys, what I have done is complete 17 days, first to 17th of January, one-liners related to banking and financial awareness I have put here. इट विल बी देयर इन द पीडीएफ। ये सारे के सारे आपके पास पीडीएफ में होंगे। दिस पीडीएफ यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द ग्रुप जीए जीनियस। जो हमारा ग्रुप है जीए जीनियस, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो एंड ऑफ द सेशन देयर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आस्किंग वेयर इज द पीडीएफ, प्लीज अपलोड द पीडीएफ। पीडीएफ विल बी अपलोडेड विद इन अ मिनट आफ्टर द सेशन ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप जीए जीनियस। आप सर्च कर लीजिएगा। दीज वन लाइनर्स आई हैव मेड फॉर यू गाइस, सो यू कैन रिवाइज दीज पॉइंट टुमारो मॉर्निंग। तो ये आप खुद से रिवाइज करिएगा कल मॉर्निंग में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू एमसीक्यूज। मैं आपके साथ आज एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर वन। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पेमेंट लिमिटेड हैज लॉन्च्ड यूपीएमएस व्हिच इज अनेबल यूजर टू सेट अप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द रिकरिंग बिल पेमेंट अक्रॉस द मॉडल। व्हाट इज पी इन यूपीएमएस? अभी रिसेंटली यूपीएमएस लॉन्च हुआ है, उस यूपीएमएस में पी क्या है सर? ये आपसे क्वेश्चन नंबर वन बन रहा है। चलिए आंसर की तरफ मूव करूंगा, मैं टाइम कम लूंगा थोड़ा सा, आंसर की तरफ मूव करेंगे। करेक्ट आंसर है आपका प्रेजेंटमेंट। फुल फॉर्म है यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज द फुल फॉर्म। सो आई टेल यू इन वन लाइन ओनली, इफ यू हैव मेड एनी टाइम पेमेंट विद द हेल्प ऑफ गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, इवन मोबाइल रिचार्ज, नेक्स्ट मंथ व्हेन योर बिल विल बी ड्यू यू विल बी गेटिंग अ ऑटोमेटिक अपडेट कि आपका जो मोबाइल रिचार्ज है दैट इज गेटिंग ओवर ऑन दिस पर्टिकुलर डे, मेक द रिचार्ज। द सेम फैसिलिटी इज कॉल्ड यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। रिसेंटली इट इज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड। सीईओ इज नुपुर चतुर्वेदी, हेडक्वार्टर इज मुंबई। कंपनी वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2021। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद एनपीसीआई। एनपीसीआई रिलेटेड पॉइंट में दिखा देता हूं आपको क्विकली। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद एनपीसीआई फॉर द डोर स्टेप बिल पेमेंट सर्विसेज, टू लॉन्च द डोर स्टेप बिल पेमेंट सर्विसेज। यूनियन बैंक दैट इज सिटी यूनियन बैंक कोलैबोरेटेड विद एनपीसीआई टू लॉन्च ऑन द गो वियरेबल की चेन विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन मेक द पेमेंट अप टू 5000 रुपए विदाउट पिन। बिना पिन के आप 5000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बीओबी लॉन्च्ड एंड बीओबी कोलैबोरेटेड विद एनपीसीआई टू लॉन्च रुपए क्रेडिट कार्ड। एनपीसीआई रिसेंटली अपॉइंटेड
पे फी, ये इसका नाम याद कर लीजिएगा, एनपीसीआई रिसेंटली अपॉइंटेड पे फी एज अ सर्विस टोकनाइजेशन प्रोवाइडर फॉर द रुपे कार्ड, रुपे कार्ड के लिए सर्विस टोकनाइजेशन प्रोवाइडर किसको अपॉइंट किया एनपीसीआई ने, तो पे फी को अपॉइंट किया है। इट वॉज द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, ठीक, ये वाला हो गया आपका शंकर राजा जी, इट योर आंसर वॉज पे फी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स इन न्यूज इन जनवरी 2021, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द 19th ट्रंचेस ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इज इट 19 ट्रंचेस ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड हैज बीन इश्यूज बिफोर द इलेक्शन इन 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, चेंज कहीं भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। एन इलेक्ट्रोल बॉन्ड हैव अ वैलिडिटी ऑफ 30 डेज, 1000 करोड़ इज द मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड एन इंडिविजुअल और कंपनी कैन परचेस। आंसर आपसे पूछा गया, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है आपका फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकेंड वन इज करेक्ट। डिटेल्स क्या है, 19 ट्रंचेस ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड था, यस करेक्ट। 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, करेक्ट। दीज 5 स्टेट्स आर यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, करेक्ट है। वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स इज 15 डेज, कितने दिन का वैलिडिटी है, 15 डेज का वैलिडिटी है आपके इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, याद रखेंगे देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर द परचेस ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड, कोई भी मैक्सिमम लिमिट यहां पर आपके पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड ऑन 25th of January 1950, सुशील चंद्र सर इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, अनूप चंद्र पांडे एंड राजीव कुमार सर आर द इलेक्शन कमिश्नर। दीज ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द डिनोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का डिनोमिनेशन नहीं है। सो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स आर अवेलेबल इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, 100 rupees not there, and there is no maximum limit to invest in the electoral bonds. Detail has been discussed in the TNA. अगर किसी को कोई confusion हो, TNA open करके देख लेना, January month का आपको details मिल जाएंगे। Remaining things, remaining news related to this point. हाँ, one important point. Only one bank, State Bank of India, is the authorized bank to issue the electoral bonds. There is only one bank in India which is authorized to issue the electoral bonds. Clear है? चलिए आगे move करेंगे। लास्ट डेटा बता दूं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, लास्ट टाइम इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स वर इश्यूज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 एंड दैट टाइम 614 करोड़ रुपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैज बीन सोल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई ने 614 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड सेल किए थे, कब, अक्टूबर मंथ में। दिस डेटा विल बी इश्यूज सून, अभी जो इश्यू हो रहे हैं उसका डेटा जल्दी आ जाएगा आपके सामने। आगे बढ़े, consider the statement which is not correct about the trends, progress, banking in India 2020-21. First है, it represents the performance of banking sector including cooperative bank, NBFCs for the financial year 21-22. Second, net non-performing asset ratio of scheduled commercial bank declined from 8.2% to 6.9% in end of September 2021. It is issues by RBI in association with NPCI. आपसे पूछा गया था, not correct statement बताइए. First one is correct. It is issues by Reserve Bank of India for showing the performance of banking sector including cooperative bank and NBFC. Point one is correct. Point number two. Gross, it is not net performing, gross NPA, overall NPA of your scheduled commercial bank has declined from 8.2% to 6.9% in September 2021. आपसे पूछा जाएगा, what was the recent data given by Reserve Bank of India related to the non-performing asset in India? So NPA का recent data है आपके पास 6.9%. Second, last point. This report issues by RBI in association with NPCI is wrong. Report issues by RBI is correct, in association of NPCI is wrong. Clear है? तो ग्रॉस एनपीए होगा इंस्टेड ऑफ नेट एनपीए। मैंने डिफरेंस कई बार बताया हुआ है ग्रॉस और नेट एनपीए में। एज पर द ट्रेंड्स प्रोग्रेस बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट इश्यूज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस
increased to how much percent in September 2021 from 0.8% at the end of March 2021. Restructured NPA means a loan became NPA and that has been converted into standard asset back. आसान भाषा में कहें तो एक लोन आपका एनपीए बन गया, उसको वापस से नॉन एनपीए लोन बनाना, ईएमआई वापस से चालू करना, इसको बोलते हैं लोन का रीस्ट्रक्चरिंग। सो रीस्ट्रक्चरिंग जो लोन का है वो 0.8% से इंक्रीज होके 1.8% हो गया। इट वॉज द डेटा इन मार्च 2021 एंड दिस इज द डेटा इन सेप्टेंबर 2021। तो ये आपका मार्च और सेप्टेंबर का डेटा हो गया, अभी रिसेंट का डेटा आपके पास ये है, ठीक है। आगे आ जाए तो इस रिपोर्ट को एक बार और देख लीजिएगा, इट विल बी देयर इन द पीडीएफ, ये पीडीएफ में होगी एंड पीडीएफ विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप जीए जीनियस। तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना जीए जीनियस, यू विल बी एबल टू फाइंड द यू विल बी एबल टू फाइंड द रिपोर्ट प्रॉपरली, मीन्स पूरा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। अदर पीडीएफ ऑफ माइन ऑल्सो अवेलेबल देयर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 वॉज रिलीज रिसेंटली। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज इन दिस रिपोर्ट। Almost daily I am getting 2 to 3 screenshots, sir. Index जो है वो 85 है, sir 84 है, sir 90 है, sir what is the correct answer? तो यहां देख लीजिए क्या correct answer होगा। India has been ranked 85th position. In 2021 India was ranked on 90th with 60 countries without any prior visa, means Indians can enter into 60 countries without any prior visa. Japan and Singapore are on top with 190 destinations without visa, entering without visa 190 destinations. आपसे पूछा गया यहां पर बताइएगा, consider the correct statement. Correct statement is only two. क्या है two? Indian position was, Indian passport position was 90. It was 90. पहले 90 था with 60 country access without prior visa. Correct है. Current में India का position क्या है? So at present the position of India is 83rd. 83 पोजीशन पर है इंडिया, नोट कर लें इसको। कहीं पर कुछ भी लिखा हो डोंट फॉलो इट, दिस डेटा इज 110% करेक्ट। 83rd इज द करेंट रैंक ऑफ इंडिया। जापान एंड सिंगापुर आर ऑन टॉप, करेक्ट है, बट 192 कंट्रीज दिस पार्ट पासपोर्ट कैन एक्सेस विदाउट एनी प्रायर वीजा। Minute details are coming in the examination nowadays in the form of questions and we are doing the same mistake not picking them. So Japan, Singapore first, Germany, South Korea second, Finland, Italy, Luxembourg, Spain third. Top three countries. Indian position is 83. At bottom, Afghanistan. Taliban lead kar raha hai yaar, to banna tay hai. So Afghanistan is at bottom. Theek hai? यहां पर आपके पास रिपोर्ट है। ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द पीडीएफ ऑफ इंडिया इन द डिफरेंट इंडेक्सेस। द पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन गो एंड जॉइन इट एंड यू कैन गेट द पीडीएफ फ्रॉम देयर। इंडियन गवर्नमेंट विल ओन ऑलमोस्ट हाउ मच परसेंट स्टेक इन द वोडाफोन आइडिया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। कंपनी बोर्ड अप्रूव्ड द कन्वर्जन ऑफ 16,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट इनटू इक्विटी। एक्चुअली वोडाफोन आइडिया वीआई कंपनी को 16,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना था, सो दे आर अनेबल टू पे। नाउ दे आर कन्वर्टिंग दैट अमाउंट इनटू इक्विटी, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इनटू वीआई कंपनी। वीआई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होल्डिंग होगा 35.8%। दिस विल बी द शेयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाय द वे द शेयर होल्डिंग ऑफ वोडाफोन का शेयर होल्डिंग जो है इसमें दैट इज 28.5% एंड आइडिया का शेयर होल्डिंग जो है, आइडिया शेयर होल्डिंग इज 17.8%। आदित्य बिड़ला का जो शेयर होल्डिंग है दैट इज 17.8%। सो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर पीरियोडिक नो योर कस्टमर अपडेशन इन द बैंक टिल 31st of March 2021। दिस पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी नीड टू बी कैरीड आउट एटलीस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स फॉर हाई रिस्क कस्टमर। 5 स्टार लगा के रेटिंग को इस क्वेश्चन को आप तैयार करें एंड डेडलाइंस के ऊपर आई एम गोइंग टू डू वन मोर सेशन टूडे ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट डेडलाइंस। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस के ऊपर डिस्कशन करूंगा जस्ट फॉर 10 मिनट्स। सो करेक्ट आंसर इज 2 ईयर्स। अब ध्यान से सुन लीजिए, बेसिकली द कस्टमर हैज बीन डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। कस्टमर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। आई विल बी टेलिंग यू 4 इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम दिस पॉइंट।
फर्स्ट वन, द कस्टमर दोज आर ऑन वेरी हाई रिस्क. हाई रिस्क सर, विच टाइप ऑफ हाई रिस्क? द कस्टमर दोज वर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी. पहले कस्टमर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हो या बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व रहा हो, सच टाइप ऑफ कस्टमर्स आर ऑन वेरी हाई रिस्क. दे हैव टू अपडेट देयर केवाईसी इन एवरी टू ईयर्स. समझ में आया, इनको दो साल में अपडेट करना होगा सर. सेकेंड आते हैं आपके पास मॉडरेट कस्टमर. मॉडरेट कस्टमर, मॉडरेट कस्टमर्स हैव टू अपडेट इन एवरी 8 ईयर्स. दीज आर द कस्टमर्स, कोई छोटा मोटा इनका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया था बाय मिस्टेक, और ओडी डिफॉल्ट हुआ था, लोन एनपीए हुआ था स्मॉल अमाउंट, सच टाइप ऑफ कस्टमर्स. अबव 10 ईयर्स एंड द लो रिस्क कस्टमर्स, लो रिस्क कस्टमर्स हैज टू अपडेट इन एवरी 10 ईयर्स. एवरी 10 ईयर्स जो आपके मीडियम रिस्क है, नॉट दिस मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क. एंड द कस्टमर्स लाइक अस Have to do KYC only once. हमारे जैसे जो कस्टमर्स हैं उनको KYC एक ही बार करनी होती है सर, एक ही बार करनी होती है, ठीक है. सो हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क. हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, एंड द कस्टमर लाइक अस, क्रेडिट रेटिंग इज हाई, सो दे हैव टू डू वंस एट द टाइम ऑफ अपडेशन, एक ही बार करना होता है. 31st of March 2022 इज द डेडलाइन ऑफ इट. ये आपका डेडलाइन रखा गया 31st of March 2022. पॉइंट क्लियर होगा आई होप, ये वाला भी आपका. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइंड MOU विथ स्विंग शटर इंडिया लिमिटेड टू ऑफर द कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू देयर कस्टमर. निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में स्विंग शटर इंडिया लिमिटेड के साथ में हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं MOU पर, ताकि जो ग्राहक हैं उनको एक तरीके की बढ़िया तरीके की बैंकिंग सुविधाएं दी जा सके. तो करेक्ट आंसर है सर फेडरल बैंक. फेडरल बैंक कोलैबोरेटेड विथ स्विंग शटर इंडिया लिमिटेड. स्विंग शटर इंडिया लिमिटेड इज अ जर्मन बेस्ड कंपनी. ये आपकी जर्मन बेस्ड कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है विच इज वर्किंग इन इंडिया. फेडरल बैंक रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद दिस फेडरल बैंक. एलुवा केरला इज द हेडक्वार्टर. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट वेयर द डिपॉजिट्स proceed will be used for financing the project firm supporting of United Nations Sustainable Development Goals. तो green fixed deposit facility अभी recently किस bank ने launch किया है sir? Yes Bank, RBL. Yes Bank दो बार आ गया option में. अरे वाह, correct answer तो बिल्कुल नहीं होगा then Yes Bank. Correct answer है आपके पास Indusind Bank. Yes Bank was the first bank in India. It is not wrong. Yes Bank was the first bank in India to start green deposit facility and green bond facility. आपका green deposit, green bonds, ये इंडिया में पहला बैंक था जिसने स्टार्ट किया था. That is correct. Recently IndusInd Bank ने स्टार्ट किया है. So currently answer will be IndusInd Bank. I hope point is clear. सुमंत कथपालिया MD CEO हैं. We make you feel richer is the tagline. Next है, who has been named as the next chief economic advisor of International Monetary Fund. IMF के अगले chief economic advisor कौन बनने वाले हैं सर? तो करेक्ट आंसर है पैरी ओलिवर. पैरी ओलिवर विल बी रिप्लेसिंग टू गीता गोपीनाथन मैम. गीता गोपीनाथन मैम हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो रही है IMF की. क्रिस्टलिना जॉर्जिविका इज द मैनेजिंग डायरेक्टर. 190 कंट्रीज आर देयर इन द IMF एज अ मेंबर. द लास्ट कंट्री वॉज इंक्लूडेड इन टू इट वॉज एंडोरा. एंडोरा, प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ IMF. एंडोरा की रियासत कहा जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अली खान इस्माइलोव हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान. कैपिटल इज नूर सुल्तान. करेंसी इज टेंगे. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैव मेड अ 5-member committee under the chairmanship of Indu Malhotra ma'am to inquire the security breach of Prime Minister visit to Punjab. Another committee was made by Home Ministry. Home Ministry made 3-member committee. 3-member committee. Supreme Court made 5-member committee. Home Ministry made 3-member committee. सुप्रीम कोर्ट मेड द कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुधीर कुमार सक्सेना. सुप्रीम कोर्ट मेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड जज इंदु भूषण मैम. नेक्स्ट, सो हियर यू हैव द लिस्ट ऑफ कमेटीज. नेक्स्ट वन,
Which bank has partnered with NPCI to launch RuPay Business Platinum Debit Card for the corporate? Correct answer is Central Bank of India ने recently launch किया है. Central Bank of India started in the year 1911, Mumbai Maharashtra headquarter, Matham Venkat Rao CEO. 1911 Central to you since 1911 is the tagline. Details of this card if you want to read and if you want to buy. Which insurance company has continued to be identified as the domestic systematically important insurer for the financial year 2021-22? So we have recently got the name of three banks and three insurance companies which will be continuing to be the domestic systematically important bank and the insurance companies. So these companies are LIC, GIC and NIA, while banks are SBI, SDFC and ICICI. So these are the banks, too big to fail, right? Next one. Recently MTSS was in news. Recently MTSS was in news. The first S in MTSS stands for, so first S is stand for services. Full form is money transfer service scheme. Full form is money transfer service scheme. Okay, JP Morgan is, yeah, ye bada achha point hai, Mahima ne share kiya hai. JP Morgan Chase is the most systematic bank in the world, issues by BIS, banking of international settlement ne JP Morgan Chase ko top ranking di hai, world ka sabse systematic bank. Consider the correct statement about the money transfer service scheme. Both inward outward personal remittances into India, such as remittance toward the family, maintenance, remittance for the foreign tourist, are permissible through it. पहला पॉइंट गलत है. It is providing only inward transaction. Outward transactions are not possible. Outward remittances are not possible. Under this scheme, there is a tie-up between the abroad companies, company located in abroad called overseas principal. This word is important. Overseas principal. While the Indian bank or Indian company will be called Indian agent. Indian agent are permissible as the head office. They have to take the permission from the head office from the concerned foreign exchange department of RBI. This head office is wrong. It is RO. Regional office se permission lena zaruri hota hai. How many ROs are there in India at present? 31 ROs hain Reserve Bank of India ke abhi current mein. Aapse pucha gaya tha correct statement bataiye. So what will be your correct statement? Only second one is correct, right? Only second one is correct. MTSS details has been given here. This MTSS scheme was started in the year 2015 by Reserve Bank of India for the remittances. What is the remittance of India in the last financial year? Let's see who will be able to answer it in the comment box. Kitna remittance raha hai India ka last financial year mein, and which country was the biggest source of India for the remittances? 31 Dhiga regional office. 87 billion, very good, yeah, very good. 87 billion was the remittance of India, and USA was the biggest remittance provider to India. Reserve Bank of India approved Paytm Payment Bank commencing the cross-border remittances business under money transfer service scheme. So which of the following payment bank? Fino Payment Bank, not Paytm. Fino Payment Bank ko bhi recently approved kar diya. फिनो पेमेंट बैंक हेडक्वार्टर मुंबई है. 2017 में फिनो पेमेंट बैंक स्टार्ट हुआ था. इफ वी विल टॉक अबाउट करेंटली हाउ मेनी शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक्स आर देयर इन इंडिया, अभी करेंट में हमारे पास कितने शेड्यूल्ड बैंक्स हैं इंडिया में. सो वी हैव पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड फिनो पेमेंट बैंक. सो दीज फोर बैंक्स आर द शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया एट प्रेजेंट, करेक्ट. देखिए 87 बिलियन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 87 billion is the remittance of India. Issues under which report? Guys, remember this point. Issues under which report? The report name is Migration and Development Brief 35. Migration and Development Brief 35 report issues by which organization? So correct answer is World Bank and CNUMAD. CNUMAD is the organization set up by World Bank only. So as per the report, USA is on top in the remittance in the world in 2020. Questions is tarike se banenge aapke paas. CNUMAD is supported multi-donor trust established by which of the following organization? Answer, World Bank. The report Migration Development Brief report released by which of the following organization? Answer, World Bank and CNUMAD.
मे बी वर्ल्ड बैंक अलोन ऑल्सो, नो इश्यूज। अगर सिर्फ वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में हो तो आंसर वर्ल्ड बैंक लगा देना। टॉप कंट्री टू रिसीव द रेमिटेंस इन 2021, इंडिया इज ऑन टॉप इन टर्म ऑफ रेमिटेंस। अमाउंट रेमिटेंस रिसीव्ड बाय इंडिया 87 बिलियन। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस इन 2020 इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021। पॉइंट नंबर वन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी गवर्नमेंट एजेंसी इज रिलीजिंग दिस डेटा। इज दिस और नीति आयोग, कौन रिलीज करता है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे इश्यूज बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन और नीति आयोग, सोचिएगा, आंसर बताएं। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज गॉन अप टू 7.5% इन दिसंबर कंपेयर टू 6.5% इन नवंबर। थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट 8.3% इन ऑगस्ट 2021। देखिए, करेक्ट आंसर आपका बन रहा है, यहां पर पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर वन इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट सही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इज इशूइंग दिस रिपोर्ट। दिस ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज मुंबई, इट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी। नरोत्तम शाह इज द फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। पॉइंट नंबर टू इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग इन पॉइंट टू? डेटा फॉर दिसंबर अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 7.9%, नवंबर एम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 7%। So it has been increased by 0.29. Unemployment rate increased by 0.29% in 1 month from November to December. Highest unemployment rate was registered 8.3% in August 2021. ये पूरा डेटा हो गया आपके पास। It is the complete data in front of you. ठीक है, सारा का सारा। Next one. So question कैसे बनेंगे? What is the unemployment rate recorded in December? 7.9%. I am putting the data again and again in front of you, so you'll be able to remember it. Which government agency make report on the unemployment rate in India? Center for Monitoring Indian Economy. Next question. Consider the correct statement about the India Semiconductor Mission. India Semiconductor Mission से related report बताइए कि India Semiconductor Mission जो है, इसमें क्या options आपके correct हैं? So, it is launched by the Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw sir. Correct है. Fiscal support of 40% rupee with the ceiling of 12,000 crore rupee will be provided under setting up of display fab, display manufacturing unit set करने के लिए 12,000 crore will be the maximum amount. 76,000 crore is the PLI, production link incentive announced for semiconductor and display manufacturing ecosystem in India. Correct answer है आपका, first one is correct, third one is correct, second is wrong. Why wrong second? Maximum 50% contribution will be provided by Government of India. That is also up to 12,000 crore maximum cap for one manufacturing unit, that is manufacturing fab made by the companies related to semiconductor manufacturing unit. Now, this contribution or this support will be provided by Government of India for next 6 years. कितने time के लिए scheme start की गई है? ध्यान से सुन लें। कितने time के लिए scheme start की गई है? 6 years के लिए scheme को start किया गया है, for the duration of 6 years. Clear है? बस इतना data काफी होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। India's largest state bank of India has invested how much amount of money in the Pine Labs Private Limited? करेक्ट आंसर है 20 मिलियन का रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पाइंस लैब में 150 करोड़। फॉर विच पर्पस? POS, पॉइंट ऑफ सेल्स डिप्लॉयमेंट के लिए। नाउ दिस पाइंस लैब इज अ इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी? इट इज अ नोएडा बेस्ड कंपनी, 1998 में फॉर्मेशन हुआ है। लोकवीर कपूर इसके चेयरपर्सन है एंड मिस्टर अमरीश राव इज द सीईओ ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वन, आरबीआई कैंसल्ड सीओए सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट ऑपरेटर्स फॉर नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इनमें से किस कंपनी का रिसेंटली सीओए कैंसिल किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? करेक्ट आंसर है मुथूट व्हीकल एसेट एंड सेकेंड एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। रीजन आरबीआई नहीं देता, आरबीआई ने सिंपली एक नोटिफिकेशन इश्यू किया कैंसिलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन अकॉर्डिंग टू पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, वी आर कैंसलिंग द लाइसेंस ऑफ दीज कंपनीज। व्हाई? बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आप प्रॉपरली फॉलो हमारे नॉर्म्स नहीं कर पा रहे थे, दैट इज व्हाई। नेक्स्ट है,
क्रिप्टो वायर हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी नेम्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टू नॉलेज ऑन द क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। पहला इंडेक्स इंडिया का जो लॉन्च हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंडेक्स? तो उस इंडेक्स का नाम है आपके पास क्रिप्टो 15। क्रिप्टो 15 इट इज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है, क्रिप्टो 15 है। इट विल बी बेस्ड ऑन द 15 मेजर क्रिप्टो करेंसीज इन द वर्ल्ड। इंडेक्स मीन्स इट इज शोइंग द परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ बिग और द लार्जेस्ट 15 क्रिप्टो करेंसीज इन द वर्ल्ड। मुंबई महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर ऑफ क्रिप्टो वायर। जगदीश सोनागर इज द एमडी एंड सीईओ। गाइज, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अनाउंस टू सेटअप बिटकॉइन सिटी? पहला कंट्री का नाम बताइए जिसने बिटकॉइन सिटी को अनाउंस किया, दैट वी आर गोइंग टू सेटअप द बिटकॉइन सिटी। मैं आगे मूव कर रहा हूं। विच बैंक हैज वॉन यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट ऑटोमेशन अंडर द क्राइसिस ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी? तो बिजनेस कंटिन्यूटी कम होने के बाद भी जो ऑटोमेशन पर काम कर रहा था बैंक, दैट वॉज साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक हेडक्वार्टर इज त्रिसूर केरला। मुरली रामकृष्णन सर इज द सीईओ एंड 29th of January 1929 में बना था। अल सल्वाडोर इज करेक्ट रिलेटेड टू बिटकॉइन, बिटकॉइन से रिलेटेड अल सल्वाडोर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी एक्वायर्ड 100% स्टैक इन एलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट LLC, a holding company of United State based Alice Group? 100% acquire किस कंपनी ने कर लिया है? तो करेक्ट आंसर है Tech Mahindra at the amount of $125 million। अमाउंट कितना है? $125 million, that is approximately 900 crore रुपए के अमाउंट पर इन्होंने acquire कर लिया। Acquisition related direct question होते हैं, उसमें बहुत घुमा फिरा कर नहीं पूछता, direct question के form में ही आएगा, do not worry about that। What is the revenue collected from GST goods and services in December 2021? GST collection कितना रहा सर? 1.29 lakh crore was the GST collection in December 2021। अभी कई बार आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है that out of all the GST collection, which GST has the highest contribution? याद रखिएगा, IGST का contribution highest होता है। IGST, integrated GST always have the highest contribution in the total collection, ठीक है? SGST, CSGST, IGST, IGST का contribution आपका highest होता है। November 1.31 lakh crore, October 1.30, highest was in the month of April 1.41, GST was implemented on 1st of July 2017 को GST implement हुआ था, on the recommendation of Vijay Kelkar Committee के recommendation पर GST को implement किया गया था। GST was implemented in the world by France. France was the first country in the world to implement. GST. Indian GST is based on the GST model of Canada. हमारा जीएसटी जो है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर बेस्ड है। अमिताभ बच्चन सर वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी। ये सारे पॉइंट्स हो गए सर आपके पास। नेक्स्ट वन, विच म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? इंडिया का पहला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इनमें से किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है ICICI प्रूडेंशियल एंड Nippon India Mutual Funds। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बोला था, if you get the question in the examination and both are there, it means you didn't get the option of A and D। आपके पास A and D का option नहीं आता है, none of these आ जाता है from here। Nippon India was the first one, after that ICICI Prudential has launched। Actually both started subscription on 15, but listed first। ये first listed हुआ है, this is listed second। So first और second भी अगर आपको choose करना पड़े, so Nippon India was the first one, ICICI was the second one to list, clear? NPCI introduced the limit of cash withdrawal, very important question, and mini statement on Aadhaar enabled payment system recently to make standard transaction or standard limit in Aadhaar enabled payment system, consider the correct statement about it। आपको क्या करना है? Correct statement बताना है इनसे related। First है, NPCI introduced Aadhaar enabled payment cash withdrawal limit mini statement limit which has to be implemented from 15th of January 2022 onwards।
According to the guideline of NPCI, three-factor authentication will be needed to the acquirer. Three-factor authentication ki zarurat hogi. As per the guideline, acquiring bank have to implete the maximum limit of 5 approved transactions, cash withdrawal transactions per day. 5 approved cash withdrawal transactions dene honge per day. Guys, point number 1 is correct, point number 3 is correct. One fir se repeat karwa deta hun. This withdrawal limit, mini statement limit, deadline is 15th of January 2022. 15 Jan 2022 iska deadline rakha gaya hai. Second, customers will get 5 free transactions per day under it. Third, ye wale point mein kya wrong hai sir? What is the wrong in point number 2? Two-factor authentication is required, not three-factor authentication. What is the meaning of this two-factor, three-factor authentication? Kya matlab hota hai iska? Two-factor authentication means your ID password aapne put kiya and OTP. ID password OTP. This is two-factor authentication. Three-factor mein hoga fingerprint, then ID, password and OTP. So three-factor authentication, teen tarike se aap authenticate kar rahe hain. So two-factor authentication यहाँ पर रखा हुआ है. NPCI दिलीप असबे सर CEO हैं. NPCI दिलीप असबे सर CEO हैं. आदित्य अभी और questions बचे हुए हैं. थोड़ा सा वेट करो. यहाँ देखो. Second question. NPCI introduced the limit of cash withdrawal mini statement on the Aadhaar enabled payment system. Correct statement about it. Point number one. Cash withdrawal limit on the micro ATM on AEPS limit is 10,000 rupees per transaction. Maximum 10,000 का limit है. Issuer will implement a standardized limit of minimum five cash withdrawal per month for every customer. Minimum 5 dena hai per month. Further, issuer has to implement a standardized limit of minimum 5 mini statement per customer per month. Yahan par aapse bola gaya kaun sa correct statement. All of the three options are correct. Please do read them once. Please do read them once with the help of PDF. एक बार जरूर से पढ़ लेना PDF के help से. 10,000 रुपी का आपका यहाँ पर limit रखा हुआ है, ठीक है? अभी यहाँ पर एक point और देख लीजिए आप लोग. एक point और देख लीजिएगा यहाँ पर आप लोग. Two factor authentication जो है, two factor authentication limit is 31st of January 2021. Remaining all deadline is 15th of January 2022. बाकी सबका डेडलाइन 15 जैन है. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का 31st जैन 2022 डेडलाइन है. बाय द वे आई विल बी रिवाइजिंग इट इन द डेडलाइन वाला वीडियो. डोंट नॉट वरी. व्हिच बैंक हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटजिक कोलैबोरेशन विद द गूगल टू फ्यूल द बैंक कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी. रिसेंटली आरबीएल बैंक कोलैबोरेटेड विद गूगल. गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है to increase the facilities on Abacus 2.0, which is a digital platform of RBL Bank. RBL Bank CEO recently changed. Now the CEO is Mr. Rajiv Ahuja. Yogesh Dayal, additional director hai. Apno ka bank is the tagline. 1943 mein start hua tha. Next question. Consider the correct statement about Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in news. Guys, I am not habitual to say in the middle, please like the session and all. If you feel that session is going good and it will help you in tomorrow's examination, do not hesitate to click on the like button. Theek hai, ek second lega aapka. Consider the correct statement about the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in news. According to the Finance Ministry, the deposit in the bank account open under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has crossed 1.5 lakh crore rupee. Itna amount cross kar gaya. Deposits. Second, 44.23 crore rupee has been 44.23 crore account has been opened under this scheme. Itne account open ho gaya. The scheme was started on 28th of August 2015. Ye galat ho gaya sir. The scheme was started in the year 2014. Abhi ye scheme aapka kab start hua tha? 14 mein start hua tha. Recently scheme has completed 7 years. 7 saal pure scheme ne jo hai kiye the. 2021 mein scheme ne jo hai aapke 7 years complete kiye the. 2022 8 years complete ho jayenge. So first and second correct hai. Total deposits 1.5 lakh crore. Total number of account 44.23. And scheme was started on 28th of August 2014. Ye yaad rakhne ka point hai. What is the maximum accidental insurance cover is available on this scheme? So correct answer hai 2 lakh rupee under Pradhan Mantri
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वेयर द प्रीमियम इज 12 रुपीज पर एनम 12 रुपीज इसका प्रीमियम लगता है सर, फ्री नहीं है, 12 रुपीज पर एनम इज द प्रीमियम। 18 to 70 इज द एज ग्रुप टू ज्वाइन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। What is the upper age for the overdraft under Pradhan Mantri Jan Dhan account? Pradhan Mantri Jan Dhan account mein overdraft ka maximum hai aapke paas 65. What is the overdraft facility? What is the maximum amount? 10,000 rupees the maximum amount under the overdraft Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana without any condition 2,000. Next one. Reserve Bank of India set up a separate internal department for the fintech, that is financial technology. Who has been appointed as the head of this fintech department? Kisko appoint kiya hai? Ajay Kumar Chaudhary saab ko, Deepak Kumar ji, Ajay Kumar Chaudhary sir, both has been recently appointed as the executive directors of Reserve Bank of India. RBI ke executive director abhi recently appoint hue the. RBI started on 1st of April 1935. Nationalized on 1st of January 1949. Dono point yaad rakhenge. Who has won Ramnath Goenka Award in the photojournalism category? So Ramnath Goenka Award in the photojournalism category has won by Zeeshan A. Lateef. Zeeshan A. Lateef ne jeeta hai sir ye. Next one. LIC, Life Insurance Corporation of India has inaugurated which of the following as a part of to enhance the digital footprints? Digi post Digi zone Digi core Digi era Digi zone. तो करेक्ट आंसर है आपके पास डिजी जोन लॉन्च किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने भी रिसेंटली। धनरेखा स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय देम। आफ्टर दैट 3.9% एलआईसी बॉट द स्टैक इन बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली। इन्होंने नया स्टैक परचेस किया 3.9% का। नाउ द शेयर होल्डिंग इज मोर देन 7%। एलआईसी बॉट 9.9% स्टैक इन इंडसइंड बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक में अपना शेयर होल्डिंग 9.9% कर लिया। ईपीजीएस लॉन्च किया था, अ टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड कोर बैंकिंग सिस्टम, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड इंश्योरेंस बैंकिंग सिस्टम। एलआईसी चेयरपर्सन एज हैज बीन इंक्रीज्ड टू 62 ईयर्स। एलआईसी के जो चेयरपर्सन है इनका रिटायरमेंट एज 60 से इंक्रीज करके 62 ईयर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट वन, सो हियर यू हैव अदर पॉइंट्स गाइस, डू रिवाइज देम विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ। जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा पीडीएफ के हेल्प से। सो पीडीएफ विल बी अवेलेबल इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ आदित्य सर, जीए जीनियस टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ अवेलेबल होगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। विच बैंक हैज एक्वायर्ड अप टू 9.9% स्टैक इन इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? 5-स्टार रेटिंग का क्वेश्चन बनेगा सर, ये 5-स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है। परसेंटेज भी याद रखना है, अमाउंट भी याद रखना है। 9.95% एट द कॉस्ट ऑफ 13.03 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्वायर किया है। इट इज द फर्स्ट क्लियरिंग हाउस लोकेटेड इन गिफ्ट सिटी गुजरात। गिफ्ट सिटी गुजरात, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। चेयरपर्सन इज मिस्टर इंजेती श्रीनिवास। तो इंजेती श्रीनिवास सर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट वन, विच कंपनी हैज साइंड डेफिनेट एग्रीमेंट टू एक्वायर यूके सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी फेरेडियन। फेरेडियन नामक कंपनी को भी रिसेंटली किस कंपनी ने एक्वायर किया है? तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने एक्वायर किया है यूके बेस्ड कंपनी फेरेडियन को। And this acquire has been done 100% shareholding acquire, 100%. Now it will be completely owned subsidiary of Reliance India at the cost of 94.42 million के amount पर इसको acquire किया गया। बड़ा acquisition है। Next है, which of the following company acquired 73.37% in Mandarin Oriental New York प्रीमियम लग्जरी होटल इन द मिड टाउन ऑफ मैनहट्टन। तो न्यूयॉर्क मैनहट्टन में लोकेटेड एक होटल है मैंडरिन ओरिएंटल न्यूयॉर्क होटल, इसको एक्वायर किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्वायर किया एट द कॉस्ट ऑफ 735 करोड़ रुपीज। 73.37% एक्वायर किया है। सो इजी होगा, 7337, ठीक है, याद कर लेना 7337% जो है वो एक्वायर किया है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लॉन्च्ड मेगा बॉन्ड सेल डिजायर्ड रेज्ड 3 to 5 billion फ्रॉम द ऑफशोर इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स. इट विल बी अवेलेबल इन द ट्रंचेस ऑफ 10 years 30 years 40 years के ट्रंचेस में अवेलेबल होगा. 3 to 5 billion दे आर टारगेटिंग टू एक्वायर फ्रॉम द मार्केट बाय सेलिंग दीज बॉन्ड्स. रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्वायर्ड 25.8% इन डुंजो. ठीक है, किसमें? डुंजो में. बेंगलुरु में यही चलता है, बोलते हैं कि कोई चीज भेजना है, चार्जर भूल गए, डुंजो कर देना, कोई बात नहीं डुंजो कर देना. सो दैट डुंजो कंपनी हैज 25% स्टैक, 25.8% स्टैक हैज बीन एक्वायर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज इन डुंजो. नेक्स्ट वन, Who among the following has become 73rd chess grandmaster of India? Correct answer is Bharat Subramaniam from Tamil Nadu. He has secured the 73rd title of grandmaster of India. मैंने क्या किया हुआ है? 66 to 73rd. But you guys have to learn from 69 to 73rd. 69th Harshit Raja, 70th Raja Ritvik, 71 Sankalp Gupta from Maharashtra, 72 Mahabitra Guha, West Bengal, and 73rd Tamil Nadu, 14-year-old Mr. Bharat Subramaniam. तो ये आपके पास, आपको कहां से लेकर 69 से लेकर 73 तक की आपको याद कर लेने. Next, Bank of Baroda has appointed which Indian woman cricketer as the brand ambassador recently? Correct answer है, Shefali Verma को appoint किया है BOB ने as a brand ambassador recently. So BOB related point है, BOB collaborated with Centrum Financial Services to provide the co-lending agreement, co-lending for the housing loans in India. Bank of Baroda ranked first in the list of Ministry of Electronics Information Technology. Yugaro Capital collaborated with Bank of Baroda. Central Bank of India ke saath bhi collaborate kiya Yugaro Capital ne. Bank of Baroda recently launched BOB World Wave wearable product, wearable variety of product for the payment purpose, that you can make the payment with the help of these products. BOB grabbed a top spot, ye discuss kar liya. Shefali Verma has been appointed as the brand ambassador of BOB recently. 1908 mein formation hua tha, Vadodara Gujarat is the headquarter. Sanjeev Chadda sir CEO hai, India's international bank. Tagline, Dena Bank Vijaya Bank got merged into BOB in 2019. Nobody can imagine, but SBI PO means ka question tha ye. Aap ye soch lein, minute details sometimes comes in the examination and they are creating us one mark, easy one mark for the exam. Ex-Governor of Reserve Bank of India, Urjit R. Patel sir, has been appointed as the Vice President of AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank ke Vice President appointment. Guys, pick the point properly. First one, 24th Governor of RBI the Urjit R. Patel sir. Previously, he has worked with IMF also, International Monetary Fund also. He was the advisor for Reliance Industry, 24th Governor of Reserve Bank of India. He is replacing to DJ Pandian sir. AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, Jin Lee Kwan is the president, 104 members and 16 January 2016 formation hua tha. Beijing, China is the headquarter of AIIB. After that, he is also, currently he is also the chairperson of National Institute of Public Finance Policy. This organization gives suggestions to government of India how to utilize पब्लिक फंड्स. पब्लिक फंड्स को कैसे यूज करना है, ये सजेशन देने का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन. पब्लिक फंड्स का मीनिंग होता है द फंड विच इज इन्वेस्टेड बाय अस इन पीपीएफ अकाउंट, ईपीएफ अकाउंट और इन गवर्नमेंट बॉन्ड लाइक ट्रेजरी बिल एंड ऑल. ब्रिटेनिया ऑल्सो अपॉइंटेड उर्जित आर पटेल सर एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. आउट ऑफ दिस डेफिनेटली वन पॉइंट विल बी देयर इन योर एग्जाम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड UAE, Uruguay, Bangladesh as the new members or as the new member countries. So recently NDB, New Development Bank, Masad Saguwa Sakaba president, Ashok Lavasa sir vice president. So this organization recently announced 4 countries as the new member, that is UAE, Uruguay, Bangladesh and recent one is Egypt. So now total number of members in NDB came to 9 members ho gaye aapke NDB mein.
SCO also, Shanghai Cooperation Organization also, there are 9 members in SCO. SCO का recent member है IRAN, Iran. Iran is the recent member of SCO. ठीक है, अच्छा, NDB के जो chairperson है, इनका नाम सुन लीजिए, Marcos Prado. मैंने ADB बोल दिया था शायद गलती से. Marcos Prado is the president of NDB. NDB के president Marcos Prado है. And 2014 में NDB start हुआ था. Shanghai, China is the headquarter of NDB. Repeating again, Marcos Prado is the chairperson of NDB. Mr. Masat Sagu Asakawa is the president of ADB. तो ADB NDB में confuse मत हो जाना, मेरी गलती के कारण. ठीक है, next one. 13th BRICS summit has conducted, that was hosted by India. What was the theme of 13th BRICS summit? Continuity, consolidation, consensus. It was the theme. आपको ये तीन पॉइंट याद कर लेने, तीन वर्ड याद कर लेने, you will be able to answer it easily. Next, which of the following became the first bank in the industry to issue letter of credit on secured logistic document exchange, that is SLDE, government backed blockchain enabled platform. So government of India ने जो platform launch किया है, blockchain based online platform, उस पर LOC issue करने वाला, that is letter of credit issue करने वाला first bank India का, Axis Bank. So Axis Bank became the first bank. Letter of credit I have explained in the previous session, TNA. TNA में मैंने explain किया हुआ है. TNA is our daily current affairs show guys. Monday to Saturday you can join us live on Olipboard YouTube channel 8 AM sharp every Monday to every Saturday. Monday to Saturday. World Bank has projected India's growth rate. मैंने यार ये already separate video available है Olipboard के YouTube channel पर, where we have discussed the GDP rate of the different organizations. So you can prefer that video to cover all the GDP rate. YouTube पर ही available है. I think 1 or 2 days before I have discussed about it. HDFC Bank named as the best private bank in India in Global Private Banking Award 2021. मुंबई इज द हेडक्वार्टर 1994 में बना था. शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हैं. चेयरपर्सन इज अतानु चक्रवर्ती. वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इज द टैगलाइन. एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ अनाउंस्ड 100% स्टैक इन एक्साइड लाइफ. तो एक्साइड लाइफ का 100% स्टैक एक्वायर किया किसने? एचडीएफसी लाइफ ने. एचडीएफसी बैंक डिवेस्टेड 2% stake in Central Depository Services Limited. Central Depository Services Limited में 2% stake इन्होंने अभी क्या कर दिया? Divest कर दिया. Guys, who is the chairperson of Central Depository Services Limited? Answer बताइएगा. HDFC Bank Paytm collaborated for the POS system in India. Buy now pay later option, POS system, इन चीजों के लिए भी इनका collaboration हुआ है. Green and sustainable deposit facility launched by HDFC Bank few days before. HDFC Bank Dukandar overdraft scheme has been launched. Dukandar overdraft scheme has been launched by the HDFC Bank recently. HDFC Bank launched the second edition of Muh Band Rakho campaign. It is important for the examination. HDFC Bank Indian Post Payment Bank collaborated together for the home loans, to provide the home loans in the market. HDFC Life signed bank assurance pact with the South Indian Bank. तो ये सारे के सारे आपके पॉइंट हो गए HDFC Bank से. देखिए, मैंने पूछा था आप लोगों से Central Depository Services Limited. Nehal Vora is the correct answer. पद्माजा मैम जो हैं, वो National Depository Services Limited की चीफ हैं. National Depository Services Limited की चीफ हैं. So here is the end of session. I hope that this banking and financial news session will definitely help you in the examination of tomorrow. I'll try to do one more session before your clerk examination. If you guys will ask me to do in the comment box, I'll be doing that. My GA foundation batch is starting from Monday onwards. Monday 12 p.m. se naya batch start kar raha hu, GA ka foundation batch. Basic banking from basic to advanced, bilkul zero se advanced banking aapka main discuss karne wala hu. Approximately 820-830 rupees ka course hai by using the coupon code Aditya, flat 35% off. Please do use it. Do not miss to hit the like button on this session. I'll be meeting you guys back in the another session today. Small chota sa ek session aur lunga related to the important deadlines related ek aur session lunga main aaj aap logon ka. ठीक है, चलिए मिलूंगा आपसे वहीं पर उस सेशन में. टिल दैट टाइम गाइस, कीप वॉचिंग ऑल अबोर्ड.
बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छा एक चीज और सुन ले, जाते जाते एक चीज और सुन ले कि एग्जाम में आपको जीए के लिए क्या करना है। ओके डू वन थिंग, आई डू अ सेपरेट सेशन फॉर इट, डोंट वरी। चलो सो आई विल बी मीटिंग यू बैक इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग ऑल द बोर्ड। जय।